लीनियर प्रॉब्लम अलग है, लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम अलग है, ठीक है। ओके, स्क्रीन विजिबल है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें आज लर्निंग से स्टार्ट करना है। आर्किटेक्चर्स आप पढ़ चुकी हो, ठीक है। तो लर्निंग हम लोगों ने थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस किया है, पहले भी हम लर्निंग के बारे में बात कर चुके हैं। तो लर्निंग में क्या होता है? लर्निंग में पास्ट एक्सपीरियंस से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। ओके बेटा, स्क्रीन मेरे पास, मेरे एंड पे ये मैसेज बार बार आ रहा है कि योर नेटवर्क इज़ वीक, इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा डिले आया हो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का पहले मैसेज आया, कुछ लोगों का अभी आ रहा है कि मैम नाउ इट्स विजिबल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपको आज हम लोगों को लर्निंग डिस्कस करना है। तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग होता है पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए कोई करेंट प्रॉब्लम या न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। यही होती है जो एक ह्यूमन बीइंग में आपने आप रहती है। और हमें अगर इसे मशीन को लर्निंग करानी है, ठीक है, या मशीन में लर्निंग इनबिल्ड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ट्रेनिंग डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम अगर इसके टर्म में बात करें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के केस में, देन इन केस ऑफ आर्टिफिशियल नेटवर्क क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई होंगी? वेट, जो आप लोगों ने ऑलरेडी बताया है, बायस, वेट्स, बायस एंड अदर पैरामीटर्स। अदर पैरामीटर्स, अब देखो ये अदर पैरामीटर्स क्या क्या हैं। पहली चीज़ कि क्या एक्टिवेशन फंक्शन आप चूज करोगे, ठीक है। और एक्टिवेशन फंक्शन को कई बार ट्रांसफर फंक्शन भी कहा जाता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। और इसके अलावा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होंगे? क्या जो प्रॉब्लम हमें मिली है वो एक सिंगल न्यूरॉन से सॉल्व हो जाएगा या मल्टीपल न्यूरॉन्स चाहिए होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको कौन सा आर्किटेक्चर लेके चलना है? आप सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड आर्किटेक्चर फॉलो करोगे या फिर मल्टी लेयर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो लर्निंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें हमारी चेंज होती हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमें देखना है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग है, ठीक है। और आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। हमें, आपको पता होना चाहिए क्या होता है सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड री इन्फोर्स लर्निंग। लेकिन हमें जो पढ़ना है, हमें सिर्फ फॉलो करना है किसको? सुपरवाइज लर्निंग को ही फॉलो करना है, ठीक है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग को कैटेगराइज किया गया है हेबियन लर्निंग एंड कंपिटिटिव लर्निंग, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग है, उसे कहा जाता है एरर करेक्शन ग्रेड, सॉरी, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टोकेस्टिक एरर करेक्शन ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। और इसके बाद लीस्ट मीन स्क्वायर। ये सारी चीज़ें अभी अभी कम समझ में आएंगी, जब हम प्रॉब्लम पे आएंगे एक्चुअल, तो हमें समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में भी आपको ये जो पोर्शन हाईलाइटेड है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। हमें स्टोकेस्टिक लर्निंग नहीं पढ़ना है, हेबियन लर्निंग नहीं पढ़ना है, कंपिटिटिव लर्निंग नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है एरर करेक्शन ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, लीस्ट मीन स्क्वायर एंड बैक प्रोपगेशन मेथड, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा फटाफट देख लेते हैं सुपरवाइज लर्निंग। अच्छा मुझे बताओ तुम लोग कि सुपरवाइज लर्निंग कैसे काम करता है? मैंने आप लोगों को जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में, जब हमने स्टार्ट किया था फीचर्स, फीचर्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, है ना, तो उसमें हमने डिस्कस किया था लर्निंग को, जब हमारे पास आया था लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा। क्या सभी को याद है? डील्स विद क्लस्टरिंग, कौन डील करता है क्लस्टरिंग से? मेघा, सुपरवाइज्ड या अनसुपरवाइज्ड? सुपरवाइज्ड, उल्टा बोल रही हो। सुपरवाइज्ड का मैंने बताया था बेस्ट एग्जांपल, अगर आप इजली समझना चाहते हो, दैट इज क्लासिफिकेशन। और जो आप कह रहे हो क्लस्टरिंग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, हाँ ठीक है। क्लस्टरिंग जो है अनसुपरवाइज लर्निंग में आता है, ठीक है। तो जब आपके पास सुपरवाइज लर्निंग होता है ना, तो
तो वहां पे ट्रेनिंग के लिए किस तरह का डेटा प्रोवाइड किया जाता है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जब आप सुपरवाइज लर्निंग को फॉलो करेंगे तो वहां पे आप कैसा डेटा दे रहे होंगे, आपका जो ट्रेनिंग डेटा होगा, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा कैसा होगा, लेबल्ड होगा, जिसे आप क्या कह रहे हैं, एवरी इनपुट पैटर्न दैट इज यूज टू ट्रेन द नेटवर्क इज एसोसिएटेड विद एन आउटपुट पैटर्न। ओके, तो जितने भी आपके इनपुट पैटर्न हैं उनको ट्रेन करने के लिए उससे उसके एसोसिएटेड आउटपुट पैटर्न भी आपको प्रोवाइडेड रहते हैं, और इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, लर्निंग विद द हेल्प ऑफ टीचर। ठीक है, और जब सुपरवाइज लर्निंग यूज करते हैं तो यहाँ पे कैसे किया जाएगा, द आउटपुट ऑफ नेटवर्क इज कंपेयर्ड विद द करेस्पॉन्डिंग टारगेट वैल्यू एंड एरर इज डिटरमाइंड। ये सारी चीजें जब हम प्रॉपर एल्गो पे आएंगे तो आप बेहतर समझ पाओगे। ठीक है, पहली चीज, इनपुट पैटर्न के लिए आउटपुट पैटर्न अवेलेबल है। ठीक है, उसी को दूसरे तरीके से अगर कहें तो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आपको गिवन है। ठीक है, और इसी इनपुट और आउटपुट के, जो आपके पास एक्चुअल आउटपुट है और जो आपके पास ट्रेनिंग डेटा का आउटपुट है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट के बेसिस पे आप क्या कैलकुलेट करते हो, एरर कैलकुलेट करते हो। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आप अपने नेटवर्क को अपडेट करते हो, यही इतनी चीजें स्लाइड में मेंशन है। ठीक है, और इस आप सुपरवाइज लर्निंग को क्या कहते हैं, लर्निंग विद द हेल्प ऑफ टीचर। ठीक है, अनसुपरवाइज को, अब आप समझ जाओ इसे क्या कहेंगे, लर्निंग विदाउट अ टीचर। तो पहली चीज जो सामने आती है कि इसका मतलब अपोजिट करो, वहां पे हर इनपुट पैटर्न के करेस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट मिल रहा था। ठीक है, और इसके अलावा इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आप कह रहे थे वहां मिल रहा था, जिसके बेसिस पे आप एरर को कैलकुलेट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड आउटपुट और ऑब्जर्व्ड आउटपुट के बेसिस पे आप एरर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपको आउटपुट पैटर्न नहीं अवेलेबल है, इस वजह से आप उन्हीं इनपुट्स को आपस में रिलेट कर करके पैटर्न को फाइंड करने की कोशिश करें, राइट? यहाँ पे क्योंकि आपको आउटपुट तो अवेलेबल है नहीं, आपके पास आउटपुट नहीं है, तो आपको जो करना है, जो आपके पास ट्रेनिंग डेटा के इनपुट्स है, सिर्फ इन्हीं में कोई पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करना है। इसीलिए जो इसका एग्जांपल होता है वो क्या है, क्लस्टरिंग, मतलब आप किसी सिमिलैरिटी के बेसिस पे या किसी डिफरेंस के बेसिस पे या किसी और पैरामीटर के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, इनपुट को एक साथ क्लब कर रहे हैं विच आर सिमिलर इन नेचर, राइट? तो अलग अलग, जो अलग अलग टाइप के आपके पास पैटर्न्स या ट्रेनिंग डेटा, उसको अलग अलग उसमें डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं, क्या आप समझ रहे हैं कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? देखो, वहां पे इनपुट, हर इनपुट के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट है, तो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आपको मिल रहा है। ठीक है, जिस वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, लर्निंग विद द हेल्प ऑफ टीचर। इसके अपोजिट अगर हम अनसुपरवाइज वाले पे जाए तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या है कि भाई हमें क्या, हमें कोई आउटपुट पैटर्न नहीं मिल रहा है इनपुट इनपुट के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि इनपुट पैटर्न नहीं मिल रहा है, सॉरी, आउटपुट आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो यू कैन नॉट फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो आपको जो कुछ करना है ट्रेनिंग डेटा में, जो आपके सिर्फ इनपुट इनपुट अवेलेबल है, सिर्फ उन्हीं से करना है, मतलब, और सुपरवाइज्ड में आपको लेबल डेटा मिल रहा है। ठीक है, और अनसुपरवाइज्ड में आपको कैसा डेटा मिल रहा है, अनलेबल डेटा। आप अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड एक बार और डिस्कस कर चुके हैं, क्या आपको समझ में आ गया है क्या होते हैं दोनों, अनसुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग? किसी को कोई डाउट है तो बेटा यहाँ पे पूछ लो। दो दो पॉइंट्स है, कौन कौन सा, लर्निंग विद अ टीचर एंड लर्निंग विदाउट अ टीचर, राइट? इसके अलावा एक जगह लेबल डेटा मिल रहा है। ठीक है, लेबल डेटा ट्रेनिंग सेट मिल रहा है, उसके लिए, किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और एक जगह आपको क्या मिल रहा है, अनलेबल्ड डेटा मिल रहा है। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को कोई समस्या नहीं ना? ठीक है,
रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे क्या है, सबसे पहले ये फर्स्ट है आपका जो फर्स्ट पॉइंट है इसको आप लोग रीड करिए। ऑल्दो अ टीचर इज अवेलेबल इट डज नॉट टेल द एक्सपेक्टेड आंसर, ठीक है, सिर्फ आपको ये बताएगा कि आंसर सही निकाला है आपने या गलत निकाला है, ठीक है। अगर देखो आंसर सही है, करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पे रिवॉर्ड वाला सिस्टम है, अगर आप करेक्ट आंसर प्रोवाइड करोगे, ठीक है, करेक्ट आंसर दे रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अ रिवॉर्ड इज गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, और इसी रिवॉर्ड और पेनल्टी से कि ऐसा किया था तो रिवॉर्ड मिला, ऐसा किया था तो पेनल्टी मिला, इसी तरीके से आपका जो नेटवर्क होता है वो सीखता है, ठीक है। टीचर यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं बता रहा है, मतलब आप ऐसे समझो कि ये आपको ट्रू या फॉल्स में आउटपुट दे रहा है, ये नहीं बता रहा है कि इसकी क्लास ये थी, मतलब आपका जो ट्रेनिंग डेटा है उसमें ये नहीं लिखा है कि ये इनपुट पे ये आउटपुट मिलेगा, नहीं। लेकिन जब आप आउटपुट कैलकुलेट करके दे रहे हो तो ये जरूर बता दे रहा है कि ये आउटपुट सही है या गलत है, ठीक है। और एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनसुपरवाइज लर्निंग जो है इसका बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, ठीक है, आपका ये किस लर्निंग को फॉलो करता है अनसुपरवाइज, और ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसीलिए जो आपका कोर्स है सॉफ्ट कंप्यूटिंग का, इसमें अनसुपरवाइज लर्निंग को इंक्लूड नहीं किया गया है बिकॉज दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इसके जो एल्गोरिदम्स हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टाइम टेकिंग होंगे, ठीक है। इसीलिए आपके कोर्स में अनसुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम्स को ऐड नहीं किया गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज लर्निंग पढ़ना है और उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिथम को पढ़ना है, ठीक है। क्या आप लोगों को रीइंफोर्समेंट लर्निंग समझ में आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो चलो आज जो है एल्गोरिदम से शुरू करते हैं, ठीक। मैं डेफिनेशन, अगर ये जो आपको डेफिनेशन दी हुई है ग्रेडियंट डिसेंट या कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें अगर मैं बता भी दूँ, स्टोकेस्टिक लर्निंग आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन ये जो वेट्स का एडजस्टमेंट है ये प्रोबेबिलिस्टिक फैशन में करता है, ठीक है। और ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग जो है इसमें एक स्लाइड मिसिंग है, इसमें एक गड़बड़ है, चलो ठीक है। इसमें ग्रेडियंट डिसेंट मेथड जो है ये एरर कैलकुलेट कर करके आपको आउटपुट देता है, मतलब ये क्या करेगा, मतलब सबसे पहले वेट फाइंड किया, ठीक है, ऑल क्लियर मैम, ये ऑल क्लियर कुछ दूसरा वाला ऑल क्लियर लग रहा है, आकाश आठवा क्लियर है ना, हर्षवर्धन, नो डाउट, ओके, चलो ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ठीक है, अब हम एल्गो से शुरू करते हैं, ये बेहतर है, ठीक। सबसे पहले सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की ट्रेनिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लो कि सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का कैसा होता है। आपके पास सिंगल लेयर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, परसेप्ट्रॉन भी आपके किस कैटेगरी में आ सकता है, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की, अगर परसेप्ट्रॉन भूल गए हो तो। अगर कोई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर सिंगल न्यूरॉन को यूज करता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ओके, तो उसे क्या कहा जाता है, परसेप्ट्रॉन, ठीक है, ओके। तो सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए जिस एल्गोरिदम का यूज किया जाता है हम उसे क्या कहते हैं, परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग एल्गोरिदम, ठीक है। इस नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए जिस मेथड को हम यूज करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग एल्गोरिथम। तो सबसे पहले आप पैरामीटर्स देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं। देखो जो एल्गोरिथम है इसे ट्रेन करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे N+1 आपके पास इनपुट्स है ना, N+1 इनपुट कैसे हो रहा है, ये जो 1 है ये क्या है, एक बायस के साथ इनपुट, X0 आपका एक्चुअल इनपुट नहीं होता है,
ठीक है, ये बायस के साथ जो एक इनपुट पैरामीटर ऐड होता है वो वाला है, ठीक है, जिसे आप हमेशा क्या सेट करते हो, एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 1। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आपका बायस वाला इनपुट होगा एक्स नॉट, वो हमेशा 1 होगा। तो आपके एक्चुअल इनपुट्स क्या है फ्रॉम एक्स वन टू एक्स एन, ठीक। ओके, एफ डिनोट्स द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मीन्स एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, राइट। अब देखो, आपके पास एक्स बार एंड वाई बार, इसे ये क्या है, आपके इनपुट आउटपुट वेक्टर्स है, ट्रेनिंग डेटा सेट है आपके पास अवेलेबल। ध्यान से सुनना, आप अब आपको देखो लर्निंग कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास ट्रेनिंग डेटा होगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग डेटा का जो सारा इनपुट है उसका जो वेक्टर बनाया गया है, एक्स बार रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेनिंग डेटा के इनपुट वेक्टर को, और ये है आपका आउटपुट वेक्टर, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं कि एक्स बार ये आपका इनपुट है और ये जो वाई बार है ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम अपने नेटवर्क को ट्रेन करेंगे, एंड दिस डब्ल्यू बार डिनोट्स द वेट मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम अभी आपके पास कोई रैंडम वैल्यूज नहीं आ रही हैं, ठीक है। अभी आपके पास देखो, जो ट्रेनिंग होती है, हमेशा ध्यान रखना कि ट्रेनिंग किसके हिसाब से की जाती है, किस बेसिस पे की जाती है, जो आपके पास ट्रेनिंग डेटा होता है, ठीक है। और ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहेगी जब तक आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो कंप्लीटली चीजों को लर्न ना कर ले, ठीक है। तो ट्रेनिंग के थ्रू हम अपने सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक क्या कह सकते हैं इसे, इसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। इनपुट पैटर्न को लेके हम उसे सिखा रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपके पास वेक्टर है, वेक्टर है मतलब आपके पास सपोज 10 इनपुट्स है, 10 अलग अलग इनपुट के सेट है, ठीक है। मतलब एक इनपुट है फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स एन, सपोज ये एक्स वन है, ठीक है। एक्स वन मतलब वेक्टर का, एक्स टू है, एक्स टू जो है एक्स नॉट टू एक्स एन कुछ और होगा, कैपिटल एक्स मान लो इसको, फिर कैपिटल एक्स, एक्स थ्री होगा उसके कुछ और वैल्यूज होंगे, और ये सारे मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, वेक्टर एक्स। मतलब आपके पास ट्रेनिंग डेटा में एन नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या, अच्छा चलो अभी पूछताछ बंद करते हैं, एक्सप्लेन कर लूँ सवाल जवाब करेंगे, ओके। अच्छा तो अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम पे कि ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले आपके पास इनपुट है, एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ठीक। तो हमें क्या सेट करना है, हम जितने भी वेट है, वेट W नॉट किसका वेट है, X नॉट का, दैट इज योर बायस वैल्यू और थ्रेशोल्ड वैल्यू, राइट। तो इसके साथ मतलब जितने भी ये वैल्यू है फ्रॉम W नॉट टू W n, इन सबको हम एक रैंडम वैल्यू को असाइन करेंगे, ओके। जितने भी वेट पैरामीटर्स है फॉर फर्स्ट इनपुट, अभी एक इनपुट के लिए हम ये काम कर रहे हैं, जितने भी आपके पास ये इनपुट्स है W नॉट, W वन, W टू, अप टू W n, ठीक है, इन सबको हम एक रैंडम वेट पे सेट करेंगे, ओके। अब आप क्या करोगे, फॉर ईच इनपुट पैटर्न x फ्रॉम x बार या इनपुट वेक्टर x, उसमें से आप एक उठाओगे, दैट इज फ्रॉम x नॉट टू xn। मतलब आपका जो ये है x है, ये कुछ ऐसा है, इसमें ये ऐसे बना है, फ्रॉम x1 टू xn पहला वाला है, फिर x1 टू xn, इस तरह से आपका ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है। तो उस इनपुट वेक्टर में से हम एक जो पहला रो है हम उसको उठा रहे हैं, ठीक है। आप सभी को इनपुट का कंप्यूटेशन करना आता है, हाँ सब, अच्छा हम ये मान के चल रहे हैं कि आउटपुट आपका, जैसे हम एंड और नॉट इन सब प्रॉब्लम को सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के लिए यूज कर रहे थे, तो आपका जो हम अज्यूम कर रहे हैं जो आउटपुट होगा या तो 1 होगा या तो 0 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आपको याद हो सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड के थ्रू आप कैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, एंड और नॉट इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग, सपोज हम एंड के लिए काम कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या काम किया है, एक्टिवेशन फंक्शन चूज किया है, ठीक है। क्योंकि आउटपुट 1 और 0 होगा तो सिर्फ थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन है जो हमें 1 एंड 0 आउटपुट देता है, ओके ओके। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, न्यूरॉन का आउटपुट कंप्यूट किया, मतलब वेट्स को उसके करेस्पॉन्डिंग इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करके हमने सम कर लिया, ठीक है। अब उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। इतना पोर्शन आपको आता है,
वेक्टर में से आपने एक वैल्यू को उठाया, ठीक है, रैंडम वेट्स लिए, न्यूरॉन का आउटपुट कंप्यूट किया, ठीक है, पर्टिकुलर न्यूरॉन कह लो या जितने भी न्यूरॉन है, सिंगल न्यूरॉन की बात हो रही है फिलहाल, ठीक है, उस न्यूरॉन का हमने आउटपुट कंप्यूट किया, ठीक है। आउटपुट को कंप्यूट करने के बाद हम इस पे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद जो आपका आउटपुट आ रहा है उसको हम वाई डैश बार में स्टोर कर रहे हैं। मतलब आपका जो आउटपुट वैल्यू था वो कहाँ पे है, वो वाई बार में है, वाई बार वेक्टर है, रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को। हम वाई बार डैश यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट द ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। तो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू क्या आ रही है, वाई बार, ठीक है, वाई बार डैश। तो ये भी एक वेक्टर फॉर्म होगा। मतलब अगर आपके पास 10 सेट है, हर सेट के लिए आप ये प्रोसेस को रिपीट करोगे। अभी ये सिंगल के लिए चल रहा है, फिलहाल हम आगे चलते हैं, ठीक। अगर आपका जो आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट जो है, और जो कंप्यूटेड आउटपुट है, दोनों मैच करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो आपने रैंडम वेट सेलेक्ट किया था वो आपका बिल्कुल परफेक्ट था, ठीक है, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट था, और उसके बाद हमें एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, यहीं पे हमें कंप्यूटेशन को बंद कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो ऑब्जर्व्ड आउटपुट है, आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है, ये मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इनके मैच ना होने की कंडीशन में यू हैव टू अपडेट द वेट मैट्रिक्स, राइट। तो वेट मैट्रिक्स को अपडेट करने के लिए कैसे काम करेंगे, जितने भी आपके पास आउटपुट आए हैं अभी फिलहाल, उस आउटपुट को आप क्या करोगे, देखो अगर आपका आउटपुट 1 चाहिए और आपको 0 मिल रहा है, ठीक है, तो मतलब वैल्यू जो एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा मिल रही है, तो इसका मतलब हमें वेट में से कुछ घटाना पड़ेगा। मेरी बात को समझना, देखो अगर मुझे आउटपुट 2 चाहिए और मुझे 3 मिल रहा है, ठीक है, तो जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट जो आपका वेट है उसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, क्योंकि आप इनपुट तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए वेट को कैसे अपडेट करेंगे, डब्ल्यू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू आई माइनस अल्फा एक्स आई, ठीक है, जहाँ आई की वैल्यू फ्रॉम 0 to n हो सकती है। अच्छा, अब ये क्या है भाई, अल्फा क्या है, अल्फा इज नोन एज लर्निंग पैरामीटर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आप दिस इज लर्निंग कॉन्स्टेंट, ओके। ये प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह से कैलकुलेशन कर रहा है, तो फिलहाल अल्फा इज अ लर्निंग कंस्ट्रेंट और कॉन्स्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो और अगर वैल्यू आपकी वाई वन होनी चाहिए, सॉरी 0 होनी चाहिए, सॉरी 0 होनी चाहिए, गलत बोल रहे हैं, 1 होनी चाहिए और 0 मिल रही है, मतलब हमें वेट को इंक्रीज करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू आई प्लस अल्फा एक्स आई, ठीक है। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, गो टू स्टेप 2। इतना करने के बाद हम फिर से यहाँ से कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे, और ये कंप्यूटेशन तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो कंडीशन 3 है ये आपकी मैच ना हो जाए। ए एक्स आई इज द एरर, अल्फा एक्स आई, नो दिस इज नॉट एरर, ये आपका कह लो कि इसको एक टर्म बोलते हैं, इसे लर्निंग कंस्ट्रेंट ही बोलते हैं, लर्निंग पैरामीटर है, ठीक है, एरर नहीं है, नो इट्स नॉट एरर, लर्निंग कंस्ट्रेंट है। ये डिसाइड करेगा कौन, प्रोग्रामर, या फिर आप कह सकते हो कि इसका कैलकुलेशन का एक अलग मेथड है, ठीक है, फिलहाल ये एक कॉन्स्टेंट है या पैरामीटर है। क्या आप लोग समझ पाए, या मैं इसे रिपीट करूं, क्योंकि हम एक सांस में पहले बताते चले गए। कितने लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले मशीन लर्निंग और ये लर्निंग का कंसेप्ट पढ़ा है, तो आप महसूस कर पाएंगे कि जो आपके ट्रेनिंग डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है। ट्रेनिंग डेटा आपका किस फॉर्म में होता है बेटा, लार्ज सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज और करेस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज। ओके, आई विल रिपीट, ठीक है। अनुग्रह एक बार क्वेश्चन मुझे भेजो कि कहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट करना है, वेट अपडेट करने से या बिल्कुल इनिशियल से, कैसे काम हो रहा है। ओके, चलो फिर से रिपीट करते हैं।
फ्यू सेकेंड्स, थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। देखो ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है, ट्रेनिंग के टाइम पे हम मशीन को क्या करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो न्यू प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद बात ये आती है कि भाई ट्रेनिंग होगी कैसे, पास्ट एक्सपीरियंस दोगे कैसे, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, डेटा सेट। ठीक, तो एक बार डेटा सेट देख लो। आपका जो डेटा सेट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इनपुट वेक्टर जो है, मतलब इनपुट का जो कलेक्शन है उसे हम एक्स बार डिनोट कर रहे हैं, और जो आउटपुट का कलेक्शन है उसे वाई बार, मतलब इसे एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसे आप क्या कह रहे हैं, वाई बार। ठीक है, तो आपके ये इनपुट आउटपुट वेक्टर्स हैं, और जो वेट है उसे डब्ल्यू बार से डिनोट करेंगे। ओके ठीक। अच्छा, अब आगे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कंप्यूटेशन करना है तो सबसे पहले हमारे पास कुछ वेट्स होने चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया कि कुछ रैंडम वेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक, रैंडम वेट सेलेक्ट किया गया। ओके, इसके बाद अब हमें क्या करना है कि अब आपके पास जो ट्रेनिंग वेक्टर था एक्स बार, उसमें से पहला जो रो होगा उसको हमें उठाना है, उस पे कंप्यूटेशन करना है। ठीक। ओके, अब हमें क्या कर, अब हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट सपोज जो वेक्टर का फर्स्ट रो था हमने उसे उठाया। ठीक है, उसको यूज करते हुए हमने ये कैलकुलेशन किया जो आप अभी तक करते आ रहे थे। कैसे कर रहे थे, आई नॉट को डब्ल्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स नॉट को डब्ल्यू से, एक्स वन को डब्ल्यू वन से, एक्स टू को डब्ल्यू से, एंड एक्स थ्री को डब्ल्यू वन से मल्टीप्लाई किया, और इन सब को एक साथ हमने ऐड कर दिया, तो आपका आउटपुट क्या बना, आई। अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, जब न्यूरॉन कब लगाएंगे? आता है उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हो। ठीक है, तो हमने एक्टिवेशन फंक्शन चूज किया है अकॉर्डिंग टू आर प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, जो भी ये जो आई होगा इसी के बेसिस पे आपको मिलेगा। अगर आई 0 से बड़ा है तो आपको 1 मिल रहा होगा, और अगर आपका आई जो है छोटा है तो आपको क्या मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा। ठीक, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये तो भाई अभी तक जो एक्स बार और वाई बार थे ये तो आपके वैल्यूज थे जो आपके ट्रेनिंग डेटा में थे। अब जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये एक्चुअल कैलकुलेशन है, तो ये भी तो कहीं जाना चाहिए, कहीं स्टोर होगा। तो जो आपका एक्चुअल आउटपुट है, ऑब्जर्व्ड आउटपुट, ठीक है, वो क्या है, वाई डैश बार। ठीक है, वाई डैश बार में आप अपने एक्चुअल आउटपुट को स्टोर कर ले रहे हो, और जो पहले क्या था, बिल्कुल एम्प्टी था। ठीक है, हमने इसमें वैल्यू को स्टोर कर लिया। ठीक, अब आपके पास तीन चीजें हैं, आपके पास ये वाला इनपुट है, ठीक है, इसके करेस्पॉन्डिंग आपने जो रैंडम वेट्स लिए ये बन गया। ठीक है, इसके बाद इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए कुछ आउटपुट आया। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए कुछ एक्चुअल आउटपुट, मतलब ट्रेनिंग डेटा भी कुछ आउटपुट दे रहा होगा। ठीक है, वेट्स आपने सेट किए, आपका इनपुट है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो सुपरवाइज लर्निंग होता है कुछ आउटपुट भी देता है। ठीक है, तो आपके पास वो वाला आउटपुट है जो ट्रेनिंग डेटा में है। ठीक है, आपके पास एक वो आउटपुट है जो आपके जो आपने अभी ऑब्जर्व किया है, जो एग्जीक्यूशन का रिजल्ट मिला है। ठीक, अब क्या करना है, वाई बार को जो आपका मतलब जो डिजायर्ड आउटपुट है, या फिर जो ट्रेनिंग डेटा का आउटपुट है, ठीक है, उसे हम एक्चुअल आउटपुट से मैच कराएंगे। ठीक है, अगर ये मैच कराना मतलब माइनस करना, या फिर किसी और पैरामीटर से हम इसको कर सकते हैं, लीस्ट मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करने के अलग मेथड है, लेकिन फिर हम सिंपल रखते हैं कि मैच कराया गया। लगाना ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आती है तो यहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जब हमें जो चाहिए था वो मिल गया है तो हम आगे एग्जीक्यूशन क्यों करेंगे, और यही जो हमने वेट रैंडमली सेलेक्ट किया था यही आपका आउटपुट बन जाएगा। ओके ओके तो अब क्या कोरोना कर रहे हैं, कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अगर ये सेम है तो देर इज नो इशू, हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये सही सही नहीं है, ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं हो रही है, तो हमें वेट को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे अपडेट करेंगे, पहली चीज तो देखो, अगर कोई वैल्यू, अगर आपको वैल्यू 2 चाहिए और आउटपुट में 3 मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको कुछ घटाना पड़ेगा ना,
ठीक है, कुछ घटाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर वैल्यू आपकी जो, अगर आप ऑब्जर्व वैल्यू जो एक्चुअल आउटपुट 1 आ रहा है, जबकि आपको क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, ठीक है, 1 आ रहा है जबकि 0 चाहिए था, तो इसका मतलब हमें इसको घटाना पड़ेगा, कुछ इसमें से घटाना पड़ेगा। तो हम वेट में से कोई वैल्यू घटाएंगे और दैट टोटली डिपेंड्स ऑन लर्निंग पैरामीटर। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, लर्निंग पैरामीटर पे। अभी आप इसे कांस्टेंट समझ के रखो, ठीक है, ओके। और अगर आपको वैल्यू वाई चाहिए, नहीं, 0 1 चाहिए और 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा और उसमें हम वेट में कुछ ऐड कर लेंगे और उसके बाद फिर से अपना कंप्यूटेशन स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? क्या अभी समझ में आया कुछ कि कैसे काम हो रहा है? ऑलमोस्ट विल हैव टू गो थ्रू अगेन। मेघा, तुम मुझे मैसेज कर सकती हो कि तुम्हें डाउट कहाँ पे आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? अगर हम लर्निंग पैरामीटर को हमारे हाथ में नहीं है, एल्गो के हाथ पे या प्रोग्रामर जो डिज़ाइन कर रहा है आर्टिफिशियल, उसके हाथ पे छोड़ दें कि वो लर्निंग पैरामीटर के लिए क्या फॉर्मूला सेट कर रहा है या क्या कर रहा है, तो उसके अलावा मुझे बताओ कि क्या, ओके, कि क्या डाउट आ रहा है, कहाँ पे समस्या आ रही है? देखो, अगर इसको सिंपल समझे तो हमने क्या किया, आपके पास ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है, उसमें से एक इनपुट को उठाया, आउटपुट कैलकुलेट किया, ठीक है, उसके बाद जो ट्रेनिंग डेटा का आउटपुट था हमने उससे मैच किया, ठीक, ओके, दोनों वैल्यूज को देखो मैच किया, अगर मैच हो जाती है तो हमें यहीं पे एग्जिट कर देना है, ठीक, लेकिन अगर मैच नहीं होती है इसका मतलब वेट्स में ही प्रॉब्लम है, हमें उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेट्स को एडजस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए देखो ये ध्यान रखना है कि अगर डिजायर्ड वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है, और ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो हमें वेट में से कुछ घटाना है, ठीक है, तो इसीलिए हम उसमें से वेट में से कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमें 0 1 चाहिए और 0 मिल रहा है, ठीक है, मतलब एक्चुअल आउटपुट 0 है जबकि हमें 1 चाहिए, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमें उसमें कुछ एड ऑन करना होगा, तो इस वजह से, ओके, तो इसीलिए हमने जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे कुछ ऐड कर रहा है, और ऐड करने के बाद आपको एक नया वेट सेट मिल जाएगा, W0, W1, W2, क्योंकि I012N है, ठीक है, एक नया वेट मिलेगा, उस पर आप कंप्यूटेशन स्टार्ट करोगे। कंप्यूटेशन स्टार्ट करने के बाद आप इस चीज को तब तक रिपीट करते रहोगे जब तक आपको ये आपको डिजायर्ड आउटपुट ना मिल जाए, ठीक है, मतलब जब आपका ऑब्जर्व वैल्यू और जो ट्रेनिंग डेटा में वैल्यू है वो मैच ना हो जाए तब तक हम इसे एग्जीक्यूट कराते रहेंगे, ठीक है। एक पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा है, ये पॉइंट आप लोग रीड कर लो, इफ देयर आर 10 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क टू बी ट्रेन्ड देन वी हैव टू इटरेट द एल्गोरिथम 10 टाइम्स फॉर ईच परसेप्ट्रॉन इन नेटवर्क।